नमस्कार। और ज्योतिष विज्ञान सच है या झूठ, ज्योतिष किसके लिए ज़्यादातर कारगर है, आप माने या नहीं माने, आप स्वीकार करें या नहीं करें, ज्योतिष तो ज्योतिष है ही। स्वाभाविक बात है कि ये ज्योतिष विज्ञान आखिर किसके लिए है। अगर हम निर्णय करें ये ज्योतिष विज्ञान बना किसके लिए था, अगर आप में वो कॉन्शियसनेस चेतना है तब आप अनुभव कर सकते हैं। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, जड़ बुद्धि संपन्न है, आपके पास छोटे से छोटा जीवन का परिवर्तन को अनुभव करने के लिए क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, आपके अंदर का चेतना, आपके अंदर का कॉन्शियसनेस आपको नहीं समझा पाता, नहीं अनुभव करा पाता, तो फिर ज्योतिष आपके लिए कोई कुछ होने वाला, इम्पैक्ट देने वाला या आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें ऐसा कदाचित नहीं है। हर दिन, हर समय YouTube में हो या TV में हो या पेपर न्यूज़ मीडिया में हो, राशिफल आते हैं, आना स्वाभाविक है। और हम राशि के अनुसार अपने राशिफल को सुन लेते हैं, बस आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और इंतज़ार करके रहते हैं। कहीं YouTube वाले बोल देते हैं ऐसा राजयोग होने वाला है, ऐसा फल मिलने वाला है, लेकिन पूरा दिन चला जाता है और आपको ऐसा कुछ भी फल का प्राप्त नहीं। तो स्वाभाविक बात है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, और आपको अनुभव तक नहीं होता है। और फिर आप शाम तक ये सोचते हैं कि यार इतने सारे बड़े बड़े ज्योतिष, इतने बड़े 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 पंडित गुरुजी लोग हमें तो बता दिए राशिफल, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, कोई इम्पैक्ट मिला नहीं। देखिए, हर दिन अगर आप, हर महीना, हर साल ग्रह स्थिति के अनुसार आपके साथ हो क्या रहा है अगर आप अनुभव करना चालू कर दें, जान लें, तो फिर आप हर ट्रांजिट का, हर गोचर का आप फायदा उठा सकते हैं। अभी सोचिए, आज 23 या 24 तारीख जुलाई 2020, शनिदेव मकर राशि में हैं, सूर्यदेव कर्कट में हैं, यानी एक दूसरे को सातवां दृष्टि से देख रहे हैं। अब अगर आप ध्यानी हैं, योगी हैं, योगस्थ कुरुकर्माणि संगम तत्व धनंजय वाले हैं, कॉन्शियसनेस चेतना को अनुभव कर पाते हैं, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि इस समय आपके कुंडली के अनुसार ग्रहों के स्थिति और आपके चलित वर्तमान गोचर में ग्रहों के स्थिति के अनुसार आपका क्या क्या जीवन में घटनाएं घट रहे हैं, आपके लग्न में क्या हो रहा है, आपके चंद्र राशि में आपके मन के साथ क्या हो रहा है, और ये जो लग्न और चंद्र राशि के साथ बाकी जो 10 घर हैं, जो आपके परिवार, आपके पूरे समाज, आपके इर्द गिर्द, आपके नौकरी का स्थान, आपके धन स्थान, आपके परिवार, आपके सुख के स्थान और आपके रोग रिपु ऋण के स्थान से लेके आपके व्यय तक, 12वां भाव तक, लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो मेरे छात्र हैं या मेरे मित्र हैं या मेरा शिष्य हैं, आप जो भी समझें, उनका अगर माइक्रो लेवल पे रिसर्च हो रहा है, जिनका जिनका मकर राशि है और वहाँ शनि बैठे हैं उनके राशि में, राशि लग्न पे, चंद्र राशि पे, और कर्कट राशि से सूर्य का जब सातवां दृष्टि पड़ रहा है, तो उनके अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, दिमाग तो है, बुद्धि तो है, नहीं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अभी जैसे मेरे पास
अभी कर्कट राशि का एक व्यक्ति है, और जब से सूर्य का गोचर उस राशि पे आ गए, वो कैसे ओवर पावर कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है। और कोई मकर राशि का है और वहाँ शनिदेव आके बैठे हैं और उसके ऊपर जब सूर्य का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो उसके अंदर क्या इम्पेक्ट आ रहा है, क्या वो ओवर पावर कर रहा है, क्या वो जड़ बुद्धि संपन्न हो रहा है, क्या उसको जो जो उसके लाइफ का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस चार्ट है, उसका दिनचर्या है, उसमें वो खरा उतर पा रहा है क्या, वो चाह के भी सुबह उठना और अपने जो भी कार्यक्रम है उसको कर पा रहा है क्या, और सही निर्णय ले पा रहा है क्या। ऐसे ही मकर राशि है, और आप सोचिए जनवरी के आसपास जब सूर्यदेव उसके राशि पे थे या आगे पीछे थे, उस समय उसके राशि लग्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और उसके लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और वो कैसे ओवर पावर कर रहा था, कैसे एनर्जेटिक फील कर रहा था, और जब वो आगे आगे चले और जब उनका सूर्य का एस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा, वो कैसा इम्पैक्ट हुआ। अभी जैसे मीन लग्न और मीन राशि वाले हैं, और जहाँ पर उनके लग्न में आके चंद्र चंद्र कुंडली पे हो या मीन राशि पे हो या मीन लग्न पे जब मंगल हैं, तो अभी पूरे जितने सारे चेतन व्यक्ति हैं जो लोग थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, मंगल का गोचर, मंगल का उनके लग्न पे रहना, उनको ये 30, 40, 50 दिन 55 दिन क्या अनुभव हो रहा है, उनके जीवनचर्या में, उनके कार्य कर्म क्षेत्र में क्या अनुभव हो रहा है, क्या घट रहा है, वो अगर ध्यानस्थ हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा और अपने आप को कंट्रोल करेंगे। और प्लस उसमें जो पावर या एनर्जी उनका उन लग्न और राशि तक मिल रहा है, उसे स्वीकार करके, उपयोग करके उसका फायदा उठा सकते थे। क्योंकि साल में एक ही बार मंगल का गोचर हो, 1.5 साल में एक बार मंगल का गोचर आएगा मेरे राशि लग्न पे, या सूर्य का गोचर आएगा, और 2.5 साल में एक बार शनिदेव का गोचर आएगा, सॉरी 30 साल में एक बार शनिदेव का आएगा, 12 साल में एक बार बृहस्पति जी गुरुदेव का आएगा, तो और केतु का भी ऐसे ही 17 महीना के बाद, यानी करीब करीब 12, 14, 15 साल के बाद एक रोटेशन, एक बार अनुभव होगा। तो उस समय मेरे जीवन पे क्या उथल पुथल हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। 2017 में जब मकर राशि में केतुदेव गोचर कर रहे थे, पासन कर रहे थे, क्रॉसओवर कर रहे थे, उस समय मकर राशि वालों के जीवन में एक तरफ से साढ़े साथी, एक तरफ से केतु का पासन करना, क्रॉसओवर करना उस लग्न को, उस राशि को, तो उस समय उन लोगों के ऊपर, लग्नों के ऊपर क्रॉस किया तो लग्निक लोग, मकर लग्न के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मकर राशि में इम्पैक्ट किया तो वो मानसिक लेवल पे उस चंद्र राशि पे क्या इम्पैक्ट डाला, और उनके जीवन पे क्या उथल पुथल हुआ या क्या परिवर्तन हुआ। क्योंकि 12, 14 साल के बाद जब ये एक सर्कल कवर अप हो के गुरु बृहस्पति और केतु और शनिदेव का एक जगह में जमावड़ा हुआ, तीनों ग्रह का, और उस समय उनको कैसा लगा, उनके मानसिक स्थिति में क्या स्थिति था, उनको उथल पुथल लगा या रिलैक्स थे या शांत थे। या ऐसे ही अगर जब शुक्रदेव क्रॉसओवर कर रहे थे आपके लग्न राशि पे, आपका अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा था, क्या चिंतित था, क्या आपके जीवन पे क्या कार्य घटे क्या नहीं घटे। अभी जैसे वृषभ लग्न के ऊपर शुक्रदेव का गोचर हुआ, तो वृषभ लग्न वालों का या वृषभ राशि वालों का अंदर मानसिक स्थिति क्या हुआ, शारीरिक इम्पैक्ट क्या हुआ, सामाजिक इम्पैक्ट क्या हुआ, पारिवारिक इम्पैक्ट क्या हुआ, उस सारे चीज़ को जब आप अनुभव करने लग जाओगे, तो फिर आप नेचुरली उस शक्ति को हर समय हर पल ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कण, ग्राहिक एनर्जी, ग्राहिक कण आपको दे रहे हैं, कुछ अच्छे दे रहे हैं, कुछ बुरे दे रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों को लेके आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिव में। नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बुरा आए चाहे अच्छा आए, आप उसको, उस मुहूर्त को, उस दिन को, उस महीना को, उस साल को किस प्रकार उपयोग कर पा रहे हो। अब ये मौका मिला है, लेकिन अगर आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे। आप सोचो इंग्लिश मीडियम वाले हो या आध्यात्मिक ज्ञान से दूर में हो, या आज के मैकुले एजुकेशन का आउटपुट हो, ना आपको विश्वास है, ना मुहूर्त जानते हो, ना आज का लग्न जानते हो, ना आज का राशि जानते हो, ना आज का नक्षत्र का स्थिति जानते हो, आपके जीवन में क्या पड़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, इस समय आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे चल के लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आगे चल के ये इस महीना में मुझे इस ग्रहीय जो आकाशमंडल में
नवमंडल में जो भी ग्रहों का स्थिति है उसमें मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, कौन से कार्यों को करेंगे तो हमें फायदा होगा। अगर आप अनुभव से नहीं कर पा रहे हो और ये राशि चक्र से या राशि फलादेश से लेके अगर आप कर रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि आप हर एक दिन का, हर एक महीना का गोचर फल का अनुभव को लेके जब अपने जीवन पे लगाओगे, अपने जीवन पे फलित करोगे और अनुभव करोगे तो अगला साल जब इस प्रकार का ट्रांजिट होगा या उसके बाद और कभी जब इस प्रकार का ट्रांजिट होगा उस वहाँ से आप आर्थिक फ़ायदा ले सकते हो, सामाजिक फ़ायदा ले सकते हो, शारीरिक फ़ायदा ले सकते हो, आध्यात्मिक फ़ायदाएँ ले सकते हो और उसमें आपके जीवन पर उन्नति होगा। किस समय क्या करना है, अगर मंगल आके ऐसे मांगलिक लग बारचार्ट वालों के लग्न पे आया तो उस समय हम मंगल के कौन कौन से दोष को निवारण करें और उस एनर्जी को लेके हम किस कार्य में लगाएं। लेकिन हम तो जड़वत पड़े हुए हैं, ढोल गधा शुद्ध आप, मैं नहीं कहना चाहता हूँ रामायण में है, उनके लिए तो नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग पूछे यार ये ज्योतिष है एक्चुअली किसके लिए, उनके लिए नहीं है जो जड़ है, उनके लिए है जो कॉन्शियस है, उनके लिए है जो चेतन है, उनके लिए है जो अनुभव कर पा रहे हैं कि इस महीना मेरे को क्या लगा है, इस महीना इस ग्रह का यहाँ का स्थिति है। अभी सोचिए केतु के साथ गुरु बकरी अवस्था में धनु राशि में बैठे हैं गुरु चांडाल दोष बना के, तो वो गुरु चांडाल दोष दोष नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में ज्योतिष लोग भर दिए देखो अभी गुरु चांडाल दोष ना, अगर है भी तो ये भी उसके पीछे भी ईश्वर का कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा एग्रीमेंट छुपा है कि इस साल ये गुरु चंडाल दोष निर्माण के अंतर्गत अगर आपके लॉस हाउस में दोनों बैठे हैं, पकड़ लो मकर राशि वाले हो, तो फिर आपको कैसे जीना है, कैसे आप इस शक्ति को जो ज्योतिष के भाषा में, आज के ज्योतिषियों के, ज्योतिष के भाषा में कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ, आज के कथाकथित पंडितों के, पोंगा पंडितों के भाषा में ये गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, तो इससे आप कैसे आपका फायदा निकालेंगे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमनि इच्छा कृपणा फल है, तब बुद्धि को लगाना है। हाँ अगर आपका बुद्धि भ्रष्ट है, जड़ बुद्धि संपन्न है तो फिर अलग बात है, जियो पशु जैसे कोई बात नहीं, खाओ पियो मरो। लेकिन अगर है और इतना दिन पे आप इस, ये जो संकेत है ईश्वरीय सत्ता ने, ग्राहिक सत्ता ने एक जो इतना बड़ा योग ला के आपको दिया, आप इस समय कौन सा कार्य पे हाथ डालेंगे तो आप सफल हो सकते हैं, ये पूरा पूरा अनुभव गम्य है। और आपने केवल ज्योतिष ये नहीं कि किसी का कुंडली आया और मैंने देख लिया और ऐसा को ऐसा है और आप ले जाओ गोचर फल में ये है, आपके बार चार्ट में ये है और ऐसा होने वाला है और आपको ये दोष निवारण कर देना है, ना, ये कंप्लीट जीवन व्यवस्था है। इससे आपके जीवन के प्रत्येक दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग को आप निर्धारित करके अपने जीवनचर्या को आगे चलाएंगे। किस नक्षत्र में चंद्र होने से आप जो कार्य शुरू करेंगे लंबा देर तक चलेगा, किस नक्षत्र पे आप काम शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा या हो रहा है, ये जातक ज्योतिष और पंडित लोग तो बोल दिए, लेकिन आपको भी अनुभव करना है, आपका भी कुछ ड्यूटी है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ये तभी संभव है जब आप योग निद्रा नित्य प्रतिदिन करेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे और कुछ पाठ करेंगे और साथ में आप इनर कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सियल कॉन्शियसनेस को जोड़ेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सियल कॉन्शियसनेस, ये दोनों कॉन्शियसनेस, हालांकि दो नहीं है, एक ही है, कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, चेतना तो चेतना है, लेकिन जो आप अंदर से अनुभव कर रहे हैं कि मेरे अंदर अब ये प्रवृत्ति निवृत्ति संकल्प विकल्प जो चल रहा है, इस ये किसका देन है, कहाँ से आ रहा है। अभी सोचिए अभी कुछ जिस समय शनि और मंगल
मकर राशि पे एक साथ बैठे थे उस समय मकर राशि वालों के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि अभी अभी सब क्रॉस करके गए हैं उसके अंदर आप, मैं कई सारे मकर राशि उसी दिन जिस दिन दोनों का संयोग हुआ एकदम मैं देखा करीब करीब 3-4 आत्महत्या केसेस हमारे यहाँ भी ब्रिज के ऊपर से कूद के, मैं जाके उसका पता लगाया, देखा मकर राशि वाला है और वहाँ चंद्र बड़ा पीड़ित अवस्था में थे और मंगल और शनि का युति उसको आत्महत्या करने के लिए विवश करा दी, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। अभी सोचिए कि जब ग्रहण काल हुआ लास्ट, अभी जो ग्रहण हुआ उसमें अगर पूरे जो इतना लंबा ग्रहण काल हुआ उसमें अगर पूरा 4.5 घंटा 3.5 घंटा पूरा अगर ध्यान में होते जो लोग किए हैं जब तप हवन उस समय, उनको पता होगा उस समय होता क्या है एक्चुअली। जब एकदम सेंटर पॉइंट पे जब ग्रहण का एकदम बिंदु आ गया होगा होता है, मैं देखा हूँ सारे पक्षी पेड़ से अपने आप उड़ने लगते हैं, कुत्ते बिना मतलब का भौंकने लगते हैं, गाय उठ के खड़े हो जाते हैं और रंभाने लगते हैं। मैं जहाँ जहाँ बैठ के मैं अपना जंगल के अंदर साधना कर रहा था उस समय सारे चींटी कहाँ से पता नहीं काला चींटी लाल चींटी सारे बाहर निकल के घूमने लगे, पक्षियों का और कीड़ों का मूवमेंट बढ़ने लग गया और उस समय कुछ अलग एक वातावरण ग्रहण का वातावरण होने लगा। लेकिन ये उन गधों को अनुभव नहीं होगा, उन जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा कि ग्रहण काल में घट क्या रहा है हो क्या रहा है, बस उनको लगता है ये कुछ नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, उस समय खाया जा सकता है। ऐसे पेपर में भी भुवनेश्वर में भी कुछ महानुभाव लोग किए, लेकिन उन क्यों किए क्योंकि उनके पास वो कॉन्शियसनेस वो चेतना उस दृष्टि शक्ति उस दृष्टि संपन्नता था नहीं समझने के लिए नेचर में हो क्या रहा है प्रकृति में हो क्या रहा है, ग्राहिक एनर्जी ग्राहिक जो 9 ग्रहों का जो फोर्स है जो शक्ति है जो स्रोत है जो उत्कट स्रोत है जो वेग है उस वेग के समय जो उथल पुथल हो रहा है जो डिस्टर्बेंस हो रहा है जो डिस्टर्बेंस नेचर अपने को बैलेंस करने के लिए कर रहा है। जैसे अभी सोचिए कोरोना काल में इतना बड़ा बैलेंस हो गया कि ओजोन लेयर बैलेंस हो गया, गंगा जी के जल पीने लायक हो गया और पोल्यूशन रेट कार्बन रेट घट गया और नदी कई सारे नदी जो पोल्यूटेड लेवल के रेड 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 जोन पे थे वो लोग ग्रीन जोन पे आ गए। तो नेचर कंट्रोल इट्स हेल्प बाय दिस प्लानिटरी एनर्जी बाय दिस प्लानिटरी वेग। तो ये हमारे शरीर पे मन पे बुद्धि पे चेतना पे इम्पैक्ट तो डालता है, इसको अनुभव करना और इसको सद्विनियोग करना और अपने ऊपर उसको लगाना, अपने पार्थ चार्ट का प्लानिटरी पोजीशन फलित का चलित का प्लानिटरी पोजीशन को टाई अप करके आप अपने को जब अनुभव करने लगोगे और जब आपके जो पेंडिंग जो काम आपको करना था क्या करना है और क्या नहीं करना है इस वक्त और उस हिसाब में आप फल निकाल सकते हो रिजल्ट निकाल सकते हो आपके जीवन को एक उन्नत से उन्नतम दिशा पे ले सकते हो अपने जीवन के स्थितियों को आप आगे ले सकते हो। अदरवाइज सोचिए कि शनिदेव अभी कुंभ राशि के व्यय भाव पे आ गए, अब उस समय कुंभ राशि वाले जितने सारे मैं कईयों को समझाता हूँ जाके तो मेरे साथ दुश्मनी कर लेते हैं गाली दे देते हैं अरे मैं बोला ठीक है इनको समझाना मुश्किल है अभी ये लोग जब शनिदेव का गोचर आगे आगे चलेगा और उनको जब 7.5 का मार चालू होगा तब उनको लगेगा कि हाँ आचार्य ने सही बोले थे। क्योंकि मैं मकर वालों को भी लास्ट टाइम ऐसे ही आगा किया समझाया बताया 2017 के पहले नहीं समझ पाए और अपना इन बड़ा सा उनका दिमाग में आया इन्वेस्ट किए और हैवी लॉस सहे ले सहने के बाद बोले आप तो सही बताए थे। दिस इज ऑल आर इम्पैक्ट ऑफ दैट प्लानिटरी पोजिशन एंड गोचर का रिजल्ट है। और ये तो वे लोग ही अनुभव कर सकते हैं जो अनुभवी हैं जो नित्य ध्याय ध्यान करने वाला और केवल अध्ययन कर लेने से पढ़ लेने से YouTube से सुन लेने से TV से राशिफल देख लेने से नहीं हो जाने वाला, वो होगा थोड़ा बहुत होगा लेकिन जब आप अनुभव करने लग जाओगे कि मंगल का गोचर में मेरे लग्न पे आने से मेरे अंदर क्या अनुभव आया, जिस समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे थे उस समय मेरे अंदर क्या अनुभव हुआ था, बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था मैं योग और कराटे और पंच चलाना रनिंग करना उस समय क्या क्या अनुभव हो रहे, और जब मेरे ऊपर गोचर हो रहा है
सूर्य का गोचर अगर पकड़ लीजिए मकर राशि पे हो रहा है, तो फिर मकर राशि को कैसा अनुभव हो रहा है, शनिदेव के ऊपर जब सूर्य का ऑस्पेक्ट पड़ रहा है या दोनों का दृष्टि संपर्क हो रहा है, दृष्टि युति हो रहा है, तो उस समय मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी मकर राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मेरा जो सेवेंथ हाउस कर्कट राशि है उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा पारिवारिक स्थिति क्या हो रहा है, और उसी हिसाब में मैं अगर अपने को फूक फूक के चलूँ, बैलेंस कर करके चलूँ, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा। इस हेतु आप सब थोड़ा सा ये ध्यान करें, योग निद्रा करें और ग्राहक स्थितियों को अनुभव करें और अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि पे लेके जाएं, और आपको जो नहीं मिलने वाला चीज़ है वो भी प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना के साथ नमस्कार।